हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक रहस्यमयी वाटरफॉल, ए बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यह नज़ारा एंजॉय करिए। पहली बार मैं आज आपको YouTube पे दिखाने वाला हूँ एक हिडन वाटरफॉल जो बसा है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। ये बहुत ही ज़्यादा खास वाटरफॉल है। इसके पहले हम कुछ खा लेते हैं और खा के निकल जाते हैं, इससे पहले कि हमारे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म ना हो, इसीलिए हमने 100 का पेट्रोल डाला और निकल चुके हैं एक सुंदर सा हिडन वाटरफॉल देखने के लिए। उधर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता है और बहुत ही डेंजर सा रास्ता है। ये देख सकते हो दोस्तों रास्ता कैसा है, ऐसे डोंगर से जाना पड़ता है और गाड़ी पंक्चर होती है या कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है। और वातावरण भी इतना अच्छा था कि क्या बताओ। और हमें ऐसे रास्तों पे चलने की बहुत ही ज़्यादा आदत है, इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा आसानी हुई और कोई भी तकलीफ नहीं हुई। और आधे एक घंटे में हम पहुँच ही जाते हैं उस वाटरफॉल के पास। एक देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है, मतलब ये वाटरफॉल नहीं है, वाटरफॉल आगे है। एक देख सकते हो, यह देख सकते हो दोस्तों, इधर से पानी आता है और धीरे धीरे नीचे चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, दिल को भा गया। ये देख सकते हो कितना अच्छा है, ऊपर से नीचे तो बहुत ही बढ़िया है। ऊपर से सुंदर नज़ारे एंजॉय करने के बाद अभी टाइम आ चुका है नीचे चले जाने का। दोस्तों नीचे चले जाने के लिए रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है और बहुत ही ज़्यादा झाड़ियों में से जाना पड़ता है। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ नीचे और रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और धबधबे का आवाज़ भी आ रहा है, साउंड भी आ रहा था। और हम जा रहे हैं धबधबा के बहुत ही ज़्यादा करीब। हमें उधर ही एक सलडा मिल जाता है और हम उसका फ़ोटो वीटो निकलते हैं और निकल पड़ते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ कि क्या बताओ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कब मैं पहुँचूँगा, कब मैं देखूँगा, और निकल पड़ता हूँ और बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच ही चुके हैं नीचे से वाटरफॉल के पास। दोस्तों तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है रुई चौंधा धबधबा। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो कितना बढ़िया है बहुत। और इधर है एक देवी का टेंपल है और ये हूँ मैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम सुंदर से वीडियोस और फोटोज वीटोज निकालते हैं और क्योंकि इतने दूर आए हैं तो फोटोज़ और वीडियो तो बनते हैं, इससे इंस्टाग्राम के कुछ फॉलोअर्स बढ़ेंगे और यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइबर गेन करेंगे। दोस्तों तो हमने अभी रुई चौंधा पे आए थे, बहुत ही बढ़िया लगा। और मेरे पीछे देख सकते हो, मेरे पीछे रुई चौंधा धबधबा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है इधर आके और बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला यह रुई चौंधा धबधबा है। मैं मेरा आनंद कैसे बयां करूं पता नहीं चल रहा, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आया था, जब हम कॉलेज में जाते थे भी, फार्मेसी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बंक मार के इधर ही आते थे, क्योंकि कम्प्लीट एक साल हो गया हम इधर आए नहीं थे, आज आ गया हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे मुँह से दिख रहा होगा आपको कि मैं कितना ज़्यादा खुश होऊंगा। पानी आता है, उस पानी के आकार से कितना बड़ा दरी का आकार बन गया है, देख सकते हो। ये पानी ने बहुत ही ज़्यादा कोरा हुआ है, ये देख सकते हो। उधर देख पा रहे होंगे, उधर एक देवी का टेंपल है और उधर से पानी गुजरता है। जब बारिश के टाइम में आते हो ना, बहुत ही ज़्यादा भर के पानी रहता है, सब भर के, ऐसा लगता है कि नदी में आ गए हम दोस्तों। उधर धबधबा है, इधर पानी है, क्या नेचर है, वाह, दरी टाइप किया है, ये देख सकते हो। उधर नैतिक है,
नजदीक पहुंच गया है ऊपर, मैं नीचे रहेगा हूँ। अभी मैं जाने वाला हूँ ऊपर, फास्ट भाग के जाएंगे हम, उससे भी जल्दी पहुंचेंगे हम। ये देख सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए कैसा रास्ता है, ऐसे रास्ते से आना पड़ता है, ये देख सकते हो। आज मैं खुशी मेरी बयान नहीं कर सकता, इतना ज्यादा खुश हूँ मैं। बहुत दिनों बाद घूमने के लिए आया हूँ मैं, और आईफोन लेने के बाद तो आईफोन लेने के बाद ये मेरी पहली ट्रिप है। ट्रिप मतलब पहली बार मैं नेचर में घूमने के लिए आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी लग रहा है कि आईफोन लेने का कोई तो फायदा हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे शॉट, बहुत ही जल्दी आपको यह वीडियो मिलेगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आया हूँ, इसलिए बहुत ही ज़्यादा दम लग गया है। अभी मैं आपको एक और अच्छा बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाना चाहूँगा, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। देख सकते हो दोस्तों, ऊपर से पानी आता है सीधा नीचे चला जाता है, और नीचे मैंने आपको दिखाया है कि कैसे बन गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मेरे पास अभी शब्द नहीं है बयां करने के लिए, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देख सकते हो पानी वगैरह, अरे क्या दबदबा है। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं और चलते हैं घर के रास्ते की तरफ, क्योंकि अभी बहुत ही टाइम हो गया है हम बाहर आए हुए। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। यह मेरा सिर्फ पहला ब्लॉग है, अगले ब्लॉग में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही एंजॉय करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।